एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो बंद होता है मात्र 2 मिनट के लिए। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर पुजारी लेकर खड़े होते हैं आत्मे खुलाड़ी। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर स्थित मूर्ति से नहीं होती भूख बर्दाश्त। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लगाया जाता है 10 बार भोग। क्या है 1500 साल पुराने इस मंदिर का ऐसा खास कि भगवान श्री कृष्ण को दिन में 10 बार लगाया जाता है भोग? क्यों मंदिर के पुजारी खड़े होते कुल्हाड़ी लेकर? इन 2 मिनटों में ऐसा क्या होता है कि इसके बाद मंदिर का ताला तोड़ दिया जाता है? भोग न लगने पर क्यों सूख जाते हैं कृष्ण जी की प्रतिमा? आखिर क्या है इस चमत्कारी मूर्ति का रहस्य जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया? आखिर कहां पर स्थित है ये मंदिर? ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस मंदिर के बारे में आपको कुछ ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम आपको 15 साल पुराने एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 24 घंटे के केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। दोस्तों, तिरुवरुप्पु श्री कृष्ण मंदिर नाम से जाना जाने वाला भगवान श्री कृष्ण का ये अनोखा तथा चमत्कारिक मंदिर स्थित है केरल के कोट्टायम जिले के तिरुवरुप्पु में। ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बहुत भूख लगती है। माना जाता है कि अगर समय पर इन्हें भोग न लगाया जाए तो यहाँ पर स्थित कृष्ण मूर्ति पतली हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? इस बात का सवाल हर किसी के मन में जरूर उठेगा, लेकिन ये सत्य है। इसलिए यहाँ पर स्थित कृष्ण जी की प्रतिमा को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल 2 मिनट के लिए आराम करते हैं, इसलिए मंदिर को सुबह 11:58 पर बंद किया जाता है और 2 मिनट बाद यानी 12 बजे पुनः खोल दिया जाता है। इस मंदिर के पुजारी हाथ में ताले की चाबी और कुल्हाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। अगर किसी कारणवश मंदिर का ताला नहीं खुलता तो पुजारी मंदिर का ताला तोड़ देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर 2 मिनट बाद मंदिर खुलने में देर होती है तो भगवान श्री कृष्ण सूख जाते हैं और उनके कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे आ जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले उनके पिता इस मंदिर के पुजारी थे। नियमानुसार उनके पिता ने इस मंदिर को 11:58 पर बंद किया और फिर 2 मिनट बाद जैसे ही मंदिर को खोलना चाहा तो वो मंदिर के कपाट नहीं खोल पाए। काफी प्रयासों के बाद भी जब ताला नहीं खुला तो उन्होंने कुल्हाड़ी से वार कर ताला तोड़ दिया। इसके बाद पुजारी ने मंदिर के अंदर जो देखा उसे देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल मंदिर खोलने में विलम्ब होने के कारण और समय पर भोग न लगने के कारण उनकी कमर की पट्टी नीचे तक खिसक गई थी। तभी से भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोग लगने में कोई देरी न हो इसलिए पुजारी मंदिर कुल्हाड़ी लेकर हाथ में खड़ा रहता है। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार ये मंदिर अन्य मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल के समय बंद हुआ था। इसके बाद जब मंदिर खोला गया तो सभी हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण भूख के कारण पतले हो गए थे और उनके कमर की पट्टी भी नीचे तक खिसक गई थी। उस वक्त आदि शंकराचार्य जी मंदिर में उपस्थित थे। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वे समझ गए कि भूख के कारण ही ऐसा हुआ है, इसलिए ग्रहण के समय कभी इस मंदिर को बंद नहीं किया जाए। एक और हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि भगवान कृष्ण की इस प्रतिमा का जब अभिषेक किया जाता है तो उनका सर सूख जाता है क्योंकि अभिषेक के दौरान देर हो जाती है और उन्हें भोग नहीं लग पाता। आखिर प्रतिमा कैसे सूख जाती है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है जिसका पता आज तक नहीं लग पाया। माना जाता है कि इस रहस्यमय प्रतिमा को भूख इसलिए बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि कृष्ण जी की इस प्रतिमा का भाव तब का है जब उन्होंने कंस का वध किया था। उस समय श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी। इस प्रतिमा का भाव ऐसा होने के कारण ही कृष्ण जी की इस प्रतिमा को भूख बहुत ज्यादा लगती है। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती ये भी है कि अज्ञातवास के समय पांडव कृष्ण जी की इस प्रतिमा की पूजा करते थे। इसके बाद इस मूर्ति को मछुआरे ने मांग लिया था और वे इस प्रतिमा की पूजा करने लगे। एक बार मछुआरे किसी संकट में फंस गए तो एक ऋषि ने उन्हें बताया कि इस प्रतिमा की पूजा ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। मछुआरे ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद कृष्ण जी की ये प्रतिमा समुद्र में एक ऋषि को मिली। उन्होंने समुद्र से इस प्रतिमा को बाहर निकाला और एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। इसी दौरान उनकी प्रतिमा इसी स्थान पर स्थापित हो गई।
दोस्तों, कृष्ण जी की इस दिव्य प्रतिमा के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें।